सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ इन 1998 नाइन्टी एट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डिग्री कॉलेज फरीदाबाद और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में जरूर बताना चाहूँगा आपसे क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले लोग भी हैं राइट right. मैं नाइन्थ में फेल हो गया था और एलेवेंथ में फिर फेल हो गया और बहुत होशियार था तो मैं फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गया अच्छा और ये जो हंस रहे हैं ये सब ऑक्सफोर्ड से आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है सो so, मैं तीन बार फेल हुआ स्कूल में दो बार और एक बार <coughs> कॉलेज में और बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 98 में और हमारे दौर के अंदर आज से अगर 25 साल पहले चले जाएँ तो मार्क्स की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी आजकल तो 98 एट परसेंट नाइन्टी परसेंट हमारे दिल्ली में करोडिंगल कॉलेज कौली है हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड की लिए जाती है वहाँ पर अभी टेंथ का सी का रिजल्ट आया तो मेरी जो भांजी है उसका मार्क्स उसने मुझे बताया कि मामा जी मेरे 98.7 परसेंट मार्क्स आए हैं तो मैंने उसको बोला अर्पिता मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.7 नहीं आए थे <laughs> आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ऐसा या तो लिखने वालों के पास कुछ ऐसी गजब टैलेंट आ गया है या चेक करने वाले लल्लू लाल हैं <laughs> कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को नाइन्टी कैसे आ जाते हैं हंड्रेड भी आ रहे हैं हमको तो कोई अगर बुक भी दे देना तो बुक देख कर भी लिखेंगे तो भी नाइन्टी नाइन परसेंट नहीं आएंगे तो नाइन्टी एट में ग्रेजुएशन किया और जब घर पहुंचा तो बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ था पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता था मैं तो फादर को डिग्री हैंड ओवर किया वो दिन याद है मुझे चौबीस पच्चीस साल हो गए इस बात को तो मैंने फादर साहब को अपने कहा कि पापा नाउ आई एम ग्रेजुएटेड ये डिग्री हमारी तरफ से आपको तोहफ़ा है तो आप भी कुछ तोहफ़ा दीजिए हमको तो उसने बोला वाई नॉट तो ही वेंट टू द रूम और वो रूम से बाहर आई एक पेपर लेकर और उन्होंने मेरे हाथ में वो पेपर दिया तो मैंने बोला ये क्या है बोला वी हैव अ लोन ऑफ थ्री लाख रुपीज़ एंड यू हैव टू पे ये हमारी तरफ से तुझे ग्रेजुएशन का <laughs> तो मैंने सोचा इससे तो मैं ग्रेजुएशन ना ही करता तो अच्छा था सो so, 98 में, में मेरा करियर स्टार्ट हुआ विदेप्ट्री लाख रुपीज़ तो मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि जिंदगी आसान होने वाली नहीं है बहुत तो खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ बहुत खुश नसीब हूँ कि तीन लाख रुपए के कर्जे के साथ जिंदगी की शुरुआत हुई मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को क्योंकि कहते हैं अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है जो ऑलरेडी अमीर है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है ये अपॉर्चुनिटी तो उसी के पास है जिसके पास है नहीं तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं उस परिवार में आया जहाँ बहुत स्ट्रगल देखते थे हम लोग और पिछले करीब करीब दस साल से ज़्यादा हो गए मुझे कॉरपोरेट प्रोग्राम करते हुए आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट 150 प्लस कॉरपोरेट ऑफिस के लिए मैं काम करता हूँ आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के नाम बताएंगे तो आई एम वर्किंग विद द टॉप मोस्ट 150 प्लस बिग ब्रांड्स तेईस 2400 वेबिनार किए हम लोगों ने सिर्फ कोविड के दौरान जो डेढ़ साल का कोविड था उसके अंदर करीब करीब तेईस सौ इवेंट एक एक दिन में चार चार पाँच पाँच छः छः इवेंट भी मैंने अलग अलग कंपनीज़ के लिए किए 1200 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स 700 से ज़्यादा वर्कशॉप और 300 से ज़्यादा कॉरपोरेट ट्रेनिंग हम पिछले कुछ सालों में कर चुके हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी के लिए हम काम करते हैं जिसमें आपके टाटा बजाज ल्यूमिनस आई सी, आई, सी, आई, सी आई, और बहुत सारे बिग बिग ब्रांड्स हैं तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो लड़का जो स्कूल कॉलेज में फेल हो गया था वो आज डेढ़ सौ कंपनीज़ के लिए कॉरपोरेट ट्रेनर है तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ कम ऐसा ये कैसे हो गया क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी कुछ करते नहीं हो तो हम बोलते हैं पापा जो कुछ नहीं करते हुई तो कमाल करते हैं हाँ तो हमारा फिर सफ़र इस तरीके से चालू हुआ और जिस व्यक्ति को नाइन्थ में पासिंग मार्क्स नहीं मिले थे उसको हार्वर्ड यू ने अभी डॉक्टरेट का डिग्री दिया आज से करीब करीब एक साल पहले हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ कभी हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं और दिल्ली का ये बहुत बड़ा इवेंट था नैनसल मंडेला नोबल पीस अवार्ड दिया गया गेट टुगेदर करके तो पिछले दस साल बहुत शानदार रहे लाइफ के बेस्ट ईयर रहे फाइनेंशियली और प्रोफेशनली तौर पे और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा आप मेरे साथ हैं सैय सर हूँ हेलो आर यू विद मी कम ऑन अच्छा मैं चाहता हूं कि ये टू वे ट्रैफिक हो यार वन वे ट्रैफिक होता तो मुझे मजा नहीं आता आप मेरी बात से इतफाक रखते हैं आप फिजिकली बैठे हैं मेंटली भी बैठ जाइए ना और मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसको आधे घंटे के लिए बंद कर दीजिए अगर पॉसिबल है वाइफ का फोन आए तो आप उठा सकते हैं नो प्रॉब्लम उसके अलावा अलाउड नहीं है तो वहां तक तो मना नहीं कर सकता मैं आपसे ना सो so, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर 92 परसेंट लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दस हजार रुपये महीना कमाते हैं यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ बयानवे परसेंट लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम दस हज़ार रुपये से नीचे है ओनली एट परसेंट आर रनिंग ओवर टेन थाउजेंड रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ डेढ़ परसेंट लोग इनकम टैक्स पे करते हैं यानी नाइन्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट लोगों के पास टैक्स पेंग भी नहीं है पाँच लाख रुपए से नीचे आई टी आर पे टैक्स नहीं लगता वी ऑल नो यानी उनका पर मंथ इनकम फोर्टी थाउजेंड से भी नीचे का है जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतने हैं कि सोचना और संभालने के लिए भी शायद बहुत तकलीफ होती होगी और जिनके पास नहीं है उनको कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता होगा रिविद में तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है क्योंकि पैदा तो सब एक जैसे ही होते हैं वही दुआक वही नाक वही दिल हार्डवेयर सबका एक ही है तो मैं बोलता हूँ सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है मुझे ऐसा लगता है उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में एवरी चिल्ड्रन born जीनियस कोई ऐसा बच्चा है सबका हो। सब सॉफ्टवेयर सब है है, नहीं जाता क्योंकि जाती हैं वो जिंदगी में काम नहीं आती और में जो 90 बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती हैं तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा हो सकता है आप तक पहुंच सकूं आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर सो सक्सेस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल बताना चाहूंगा एवरीवन ट टू सक्सेस हर आदमी सफलता का सीक्रेट जानना चाहता है कौन बनेगा करोड़पति इसीलिए इतना फेमस है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है yes no? हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल कोई भी आदमी गरीब गुरबत की जिंदगी नहीं बिताना चाहता हर आदमी चाहता है मैं सक्सेसफुल हूँ मॉडर्न लाइफ हो मेरी कोई भी आदमी मिडिल क्लास मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता किसी भी आदमी से विश पूछे तो पहले तो देश में लॉटरी भी चलती थी अब तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया यू you नो know? लॉटरी चलता था ना लोग लॉटरी खरीदते थे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा टाइम हर आदमी चाहता तो है यार तो मेरे पास कुछ सक्सेस सीक्रेट है आपको देने के लिए जो बहुत सालों से बहुत टाइम से छुपे हुए थे मैं खुद के लाया हूं आपके लिए जानना चाहते हैं तो बोली हाँ कमान लेकिन ये ऑडियंस थोड़ी सी मुझे अमीशा पटेल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान वही है अभी तक हाँ नहीं तो हुआ ऐसा कि एक आदमी ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब माई वाइफ इज प्रेगनेट इन द टाइम हैज कम तो कैन यू प्लीज कम फास्ट डॉक्टर ने बोला इट टुक मी थर्टी मिनट्स मी टू रीच सो होल्ड ऑन तीस मिनट मुझको लगेगा तो वेट करो तो वो बेचारा वेट करता करता आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब उसके हाथ में एक बैग रहता है डॉक्टर के क्या बोलते हैं आप उसको मेडिकल किट बस्ता बैग कुछ भी आप लगा सकते हैं ना तो डॉक्टर आई उसने बोला वेयर इज योर वाइफ उसने बोला इन साइड द रूम तो शीज एंटेड द रूम एंड क्लोज द डोर और अंदर से कुछ खटपट खटपट की आवाजें शुरू होगी आने तो उस आदमी को लगा कि बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज गुड न्यूज कम ऑन आने वाली है तो इतने में डॉक्टर का दरवाजा खुला आफ्टर मिनट्स और डॉक्टर भागते हुए बाहर आई कि तुम्हारे घर में आरी है क्या आरी समझते हैं आप कारपेंटर लोग यूज करते थे यू नो सम एक्स यस 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 तो तुम्हारे घर में है क्या तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी का क्या करेंगी उसने बोला है क्या नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम है तो बेचारा भागा भागा गया कहीं से

गुड न्यूज आएगी अब वो दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि विंडो खुली फटाक डॉक्टर की मुंडी बाहर आई डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर लेके आ तुरंत अब इससे रहा नहीं गया उसने उसने बोला बोला हैमर पत्थर मेरा बच्चा कब होगा तो तो मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगी पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही है जो मैं लेके आई हूं पहले ये खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं ऐसे बहुत सारे लोगों की पेटियां बंद होती हैं कि आपकी भी खुल जाए तो मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू करूं सो दैट एक बार थोड़ा सा हो जाए यार लगना चाहिए कि वो जिंदा लोग यहां पर बैठे हैं यार <laughs> मुझे लग रहा है वो हमेशा पटेल में ही घुस रहे हैं सब लोग अभी तक है। आप मेरे साथ हैं कमान तो सफलता का सीक्रेट कौन -कौन चाहता है देखो सब लोग हाथ नहीं उठा रहे तो मैं कैसे यार है ना अच्छा जिस जिसके पास हाथ है वो उठा सकते हैं अच्छा हुआ क्या एक बार ऐसे ही मैं कहीं मीटिंग में था तो मैं देखा कि यार बहुत डेला डाले लोग बैठे हैं तो मुझे थोड़ा सा मजा नहीं आता मुझे लगता है मेरा सेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए तो मैंने पूछ लिया मैं आपसे भी वही सवाल पूछ लेता हूं मुझे लगता है आप पूछ लेना चाहिए आप में से पुरुष कितने लोग हैं सिंपल वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इसके लिए कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कितने लोग पुरुष अच्छा इसमें भी हाथ नहीं उठा रहे बाबा बाबा कोई डाउट है क्या अच्छा कितने लोग पुरुष है वन मोर टाइम आहो सुपर और महिलाएं कितनी हैं अच्छा मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति दोनों में हाथ नहीं उठा रहा मन तो कर रहा है मैं उसके पास चला जाऊं और उसके कंधे पे हाथ रख के पूछो भाई सब ठीक है आप मेरे साथ हैं कमान सो एवरी वन वॉन्ट्स टू नो द सीक्रेट टू सक्सेस लेट मी टेल यू टूडे ऑल द सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ माई लाइफ मैं चाहता हूं आप जोर जोर से एक बार दोहराएं मेरे साथ मैं जो जो कुछ लिखता हूं है ना आपको तो कुछ मैं बहुत कमाल की बात आज बताने वाला हूं इस सेशन को क्लोज करने के बाद जैसे ये सेशन क्लोज होगा आफ्टर मिनट्स आपके दिमाग में बहुत भयंकर विस्फोट होगा जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी का फटना है ना आपको लगेगा ये क्या हम कहाँ चले गए थे नहीं जाना चाहिए था हमको वहां पर एक्चुअली तो जोर से पढ़ते हैं मेरे साथ कमान अच्छा मैं चाहता हूँ सब पढ़ें यार अब आ गए हैं तो एटलीस्ट इंजॉय करते हैं इस प्रोग्राम को यू नो तो जोर से पढ़ते हैं एक बार कमॉन दूसरा Superb number three. Come on. Number four. Number five. Superb number six. Number seven. Eight. Nine. Superb ten. Eleven. Mind blowing. Twelve. Superb thirteen. 14, 15, 16. अच्छा आपने ये सब इस मीटिंग में आने से पहले ये वर्ड्स कभी ना कभी सुने थे सब सुने थे रोज सुबह शाम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे यही चल रहा है मॉर्निंग टू इवनिंग इवनिंग टू नाइट नाइट टू मॉर्निंग अगेन यही चल रहा है कि नहीं अच्छा तो सुन रखा है आपने इसका मतलब और मैं सोच रहा था कि मैं आपको कोई सक्सेस सीक्रेट बताऊंगा तो सीक्रेट तो मेरा रिवील हो गया और मुझे लगा नहीं है कोई सीक्रेट है ये तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है ना तो सेशन इज क्लोज थैंक यू सो मच बात खत्म हो गई है मैं तो सोच रहा था कि मैं को ऐसा सीक्रेट बताऊंगा क्या बोलेंगे सर वाओ हमें तो पता नहीं था आपने कुछ ऐसी बात बताई आज से लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो जाएगा तो आपको ये सब पता है हेलो यस सर नो स्टिल यू वांट टू नो सक्सेस सीक्रेट्स प्रॉब्लम क्या है जानते हैं देन देर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस एवरीबडी नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इस दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको कुछ ना पता हो हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होते हैं उसको पता है क्या खाना चाहिए क्या कमऑन हेलो ये सर नो एवरीबडी नोज एवरीथिंग अच्छा मुझे आप ईमानदारी से बताइए प्रॉब्लम पता है कहाँ है देखिए एक जगह पे प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि एक आदमी स्मोक करता है राइट आप में से कोई हो तो प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग है ना टेक इट कंस्ट्रक्टिवली मैं सिर्फ समझाने के उद्देश्य से क्या रहा हूं पॉइंट आउट करना मोटिव नहीं है इस कहानी पात्र काल्पनिक है अब आप स्मोक कर रहे हैं एक दिन में बीस सिगरेट राइट और तीस साल तक आपने कंटिन्यूसली स्मोक किया और 30 साल तक कंटिन्यूसी स्मोक करने के बाद क्या खराब होगा लंग्स और डॉक्टर ने आपको बोला कि भैया तेरे लंग्स खत्म है तू अपनी लिख ले तैयारी और ये डॉक्टर साहब को बोलता है डॉक्टर साहब अगर मुझे पता होता मैं पीता ही नहीं ऐसा बोल सकता है कमान इस देश के अंदर कोई आदमी इस दुनिया के अंदर कोई आदमी ऐसा बोल सकता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं स्मोक अच्छा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वो लिखा रहता है उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर और गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल आजकल तो उसके ऊपर कुछ गंदा सा तस्वीर भी लगाते हैं ना कि दांत टेढ़े हैं टाइप्स कि अगर पढ़ नहीं सकता एटलीस्ट स्टिल वो स्मोक करता है कि नहीं ऑन जोर से पढ़ते हैं जोर से पढ़िए इसको थर्टी एम एल शाम को आठ बजे कभी कभी सिक्सटी भी हो जाता है यू you नो know? एक दोस्त के नाम पे मूड बहुत अच्छा है तो लगाएंगे साला नुकसान हो गया धंधे में है ना पीने वालों को तो पीने का कमान हाँ देखो आपको सब हमें मैं यही बताना चाह रहा हूं एक्चुअली आपको तो आपने 40 साल तक कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग किया और आपका लिवर और डॉक्टर साहब ने आपको बोला बेटा तेरा लीवर गया तू जाने की तैयारी और डॉक्टर साहब को ये वही क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर हमको पता होता खुदा कसम हम अच्छा बोल सकता है कोई आदमी कम ऑन ऐसा बोल सकता है कुछ दुनिया में कोई बोल सकता है एवरीबडी नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैंने गौर किया अपने आसपास के लोगों को हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैंने देखा मेरे आसपास के जो लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनके पास एक पेटेंटेड डायलॉग है हमें सब पता है खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली रहती है ना उनके पास एक होल सेल में डायलॉग रहता है हमें डायलॉग नंबर दो हमने दुनिया देखी है हमको समझाने की कोशिश कौन हाँ या ना अच्छा जब हम छोटे थे तो एक डायलॉग और सुनते थे अब तो थोड़ा सा कम हो गया है बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतना हमारा तजुर्बा है। हेलो चौथा डायलॉग आता था हमारे बाल यूं ही धूप में। हाँ। ये सिर्फ पेटेंटेड डायलॉग मिडिल क्लास फैमिली में होल सेल में मिलते हैं कम ऑन स्टिल आर पुअर हमें सब पता है तो आपके घर के आगे रोल सरोज होनी चाहिए थी फिर तो आपके घर के आगे एटलीस्ट बीएमडब्ल्यू मर्सडीज्ल्यू मर्सडीज किसी घोड़े को चलाते देखा आपने कोई मुर्गी चला रही है कोई रैबिट चला रहा है कोई पंछी कोई पैरट चला रहा है देखा आपने किसी ने आज तक आपने जैसी बाहरने के लिए आपने देखा रैबिट कमाल है मर्सडीज चला रहा है ऐसा कभी देखा आपने नहीं कौन चला रहे हैं कमान ह्यूमन बींग प्रॉब्लम यहां है लेडीज एंड जेंटलमैन ट्रांसफॉर्म योर एक्सक्यूज टू एग्जीक्यूट नॉलेज इज नॉट पावर एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर एक बात को यहां से लेके जाइए आप ले आपको उसका एग्जीक्यूशन आप जिंदगी में कर रहे हैं कि नहीं हेलो सुबह सैर करने से सेहत अच्छी रहती है कौन कम वकत नहीं जानता हेलो सुबह सैर करने से सेहत अच्छी होती है किसको नहीं पता कमान अच्छा सुबह सैर करने के लिए आपके पास एडिडास का जूता होना चाहिए क्या कि नाइकी का शूज होगा साला तो ही सैर कर सकते हैं या आपके पास चप्पल है नॉर्मल तो भी की जा सकती है कमौन अच्छा खाली रिच लोग कर सकते हैं ये पुअर लोग भी कर सकते हैं सुबह सैर अच्छा पता रिच को है या पुअर को भी पता है हाँ तो प्रिंसिपल ये है कि पता होने से कमौन कुछ नहीं होता आज के बाद ये डायलॉग आप जब भी सुने कि हमें सब पता है वहीं रोक दीजिएगा कि पता होने से कुछ नहीं होता अगर जब तक आप एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट नहीं करते कोडेक को सब पता था मार्केट से उड़ गया नोकिया को सब पता था मार्केट से उड़ गया बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट से उड़ गई जिनको सब पता था नोकिया 2007 में 50 परसेंट मार्केट शेयर को होल्ड करता था यू नो 2007 में अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो 2007 से फोन यूज कर रहे होंगे एवरीबडी आई थिंक सबके पास नोकिया रहा होगा ब्लैकबेरी रहा होगा मोटरोला रहा होगा सोनी एरिक्सन रहा होगा कमऑन सीमेंस रहा होगा ये सब फोन आपने यूज किए हैं कभी ना कभी मोटरोला सोनी एरिक्सन, सीमेंस, नोकिया हेलो आप में आज कितने लोगों के पास इन चार कंपनी में किसी एक का फोन है मोटरोला सीमेंस ब्लैकबेरी बोलते थे कॉर्पोरेट में अगर आपके पास ब्लैकबेरी नहीं है यू आर साला कुछ नहीं आता आपको इनको सब मार्केट कौन ले गया जानते हैं ओप्पो वीवो कब्जा करके कौन ले गया मार्केट को वेब क्रॉवल आया आलता विस्ता आया आपने नाम ही नहीं सुने होंगे एमेसन आया बहुत सारे लोगों ने एमेसन का नाम शायद सुना होगा ना तो अलता विस्तर का किसी ने नाम सुना होगा ना वेब क्रोवल का नाम सुना होगा एमएसएन सुना होगा मार्केट ले गया 98 में गूगल गूगल सोरा का सारा मार्केट उड़ा के ले गया ये सारे MSN, वेब विस्ता, सारे सर्च सर्च इंजन इंजन है एमएसएन वेब इनको सब पता था सारा का सारा बाजार जो कैप्चर करके ले गया नाइनटी में गूगल और मैं आपको बता दूं आपको हैरानी होगी गूगल वॉज द एटींथ सर्च इंजन लेडीज एंड जेंटलमैन सेम टेक्निक सत्तारा कंपनियां ऑलरेडी पहले यूज कॉन तो पता होने से कुछ लोग फर्स्ट मूवर होते हैं कुछ लोग फास्ट मूवर होते हैं कुछ लोग फर्स्ट मूवर होते हैं कुछ अच्छा आपने नाम सुने होंगे पहले हमदर्द अभी भी है नाम सुना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2006 में बाबा जी आ गए पतंजलि पूरा बाजार 2006 2007 टू पतंजलि का टर्नओवर 55 करोड़ था लास्ट ईयर दे डिड अप्रोक्सीमेटली टेन थाउजेंड सी पता होने से कुछ नहीं होता किस चीज से होता है कम ऑन एग्जीक्यूशन से तो पहली लर्निंग है आज की कि पता होने से कुछ और यू हैव टू अपडेट यू हैव टू अपग्रेड एवरी सिंगल डे लेडीज एंड जेंटलमैन आपके घर के टीवी बदल चुके हैं जो 20 साल पहले टेलीविजन होता था क्या आज है नो no. आपके घर के रेफ्रिजरेटर चेंज हो गए जो 20 साल पहले था वो आज है नो no. आपके हेयर स्टाइल आपकी ड्रेसिंग सेंस आपके मोबाइल फोन सब कुछ आपने अपडेट अपग्रेड कर दिया लेकिन एक चीज को अपडेट अपग्रेड नहीं कर सकी और वो है थॉट थॉट प्रोसेस प्रोसेस हेलो 40-50 साल पहले जैसा घूमता था ना मिडिल क्लास फैमिली का आज भी साला वैसे का वैसे और सारा का सारा खेल थॉट प्रोसेस का है किस चीज का है 98 में हम जब कर्जा लेके मार्केट में निकले तो बहुत दुख था क्योंकि चौबीस साल पहले थ्री लाख ह्यूज अमाउंट फॉर मी और कोई सोर्स ऑफ फर्निंग था पढ़ा लिखा भी था नहीं इतना कि कोई कोई बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास कि मैं जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाऊंगा तो थॉट प्रोसेस बहुत अलग था सारा का सारा खेल किस चीज का है थॉट प्रोसेस का कहते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था कुम्हार समझते हैं आप लोग आपके रहते हैं वो है ना क्या बोलते हैं उसको हाँ, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा था तो उसकी बीवी ने बोला तो ये क्या बना रहा है तो उसने बोला मैं चिलम बना रहा हूँ आजकल बड़े फैशन में खूब बिकती है चिलम समझते हैं आप है आजकल तो यूथ में इन है ना तो उसने बोला चिलम बना रहा हूँ खूब फैशन में खूब बिकेगी बहुत सारा पैसा कमाएंगे तो उसकी बीवी ने बोला एक काम कर सुराही बना सुराही समझते हैं जिसमें पानी स्टोर किया जाता है और की तरह यूज होता है तो उसने बोला सुराही क्यों नहीं बनाता पैसा तो सुराही बेच के भी कमाया जा सकता है उसने कहा बात तो ठीक है विचार बदल गया थॉट चेंज हो गया मिट्टी छोड़ दी गूथना लग गया दोबारा और अब मिट्टी को आकार देने लगा सुराही का तो कहते हैं कि मिट्टी में से आवाज आई तो ये क्या करता है पहले तो कुछ और बना रहा था अभी कुछ और बना रहा है तो उसने बोला मेरा विचार तो मिट्टी का जवाब सुनिए साथ लेकर जाइए मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार बदला मेरी जिंदगी बदल गई चिलम बनती तो आग भरी जाती खुद भी जलती दुनिया को भी जलाती लेकिन सुराही बनी हूं तो पानी भरा जाएगा खुद भी ठंडी रहूंगी दुनिया को भी ठंडा रखूंगी सारा का सारा खेल थॉट प्रोसेस क्या है जैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ सारा का सारा कुछ तो एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि नॉलेज इज Not power, execution of knowledge is कोशिश करता हूं स्क्रीन पर एक तस्वीर है, एक भाई है। इनका नाम है समझा देता हूँ ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे 1903 के अंदर वाई पुअर बिकम पुअर वाई मिडिल क्लास बिकम मिडिल क्लास मेरे आसपास का सर्कल मेरे आसपास के दोस्त सब वैसे ही हैं जैसे मैं छोड़ के आया था मैंने अपना करियर शुरू किया सेकेंड हैंड स्कूटर से टुडे आई एम ड्राइविंग एस क्लास मर्सिडीज बट मैं जो मेरे दोस्त थे जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे जो मेरे संगी साथी थे मैं नॉर्मल लाइफ ही देखता हूँ उनकी और मैं भी वैसी ही लाइफ जीता अगर मेरे थाट प्रोसेस में वही सब होता जो उनके थॉट प्रोसेस में था और उसको एक वर्ड बोलता हूँ मैं और वह है बिलीव सिस्टम अरे विद मी क्या बोलते हैं बिलीव सिस्टम तो एंड्रयूज ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे 1903 के अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया ध्यान से सुनिए कि इस दुनिया को बुरे लोगों ने उतना तंग नहीं किया जितना अच्छे लोगों ने किया है इस दुनिया को बर्बाद करने में बुरे लोगों का उतना हाथ नहीं है जितना <laughs> भाई अनपढ़ गवार आदमी चोरी करेगा लाख दो लाख पांच लाख की करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट चोरी करेगा तो सौ करोड़ की करेगा डोंट टेक मी रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहा हूं हेलो आर यू विद मी पढ़ा लिखा चोरी करेगा डकैती डालेगा तो शायद बड़ा करेगा तो इस दुनिया को बुरे लोगों ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अच्छे लोगों ने पहुंचाया तो के कोई थे, इस ने क्या किया? वो एक मील की यात्रा बिफोर फोर मिनट कंप्लीट कर सके मैं रिपीट करता हूं इसने कहा फिजिकली कोई भी इतना टैलेंटेड और इतना केपेबल नहीं हो सकता कि एक मील की जो यात्रा है वन माइल जर्नी वो फोर मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके। और जब बड़ा आदमी बात बोलता है सब लोग ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, Come on. क्या यार इतने बड़ा आदमी ने बात बोला? ब्रिटिश ओलंपिक कोच है तो हल्का आदमी हो नहीं सकता तो बिलीव किया इसकी बात पर। और मैं आपको बता एक्सप्लोर्ड साइंस ने, ने कहा an किसी आदमी ने गलती से भी ये करने की कोशिश करी तो उसके दिल में विस्फोट हो सकता है कि दिल जो है इतनी तेज से पंप होगा कि फट सकता है तो कोई भी आदमी एक मील की यात्रा को बिफोर फोर मिनट कंप्लीट करने का ही नहीं करे साइंस ने ठप्पा लगा दे इतना बड़ा आदमी बोलने लगा लोगों ने बोला बिल्कुल बात ठीक है 1903 से लेकर 1956 तक हजारों एथलीट ट्रैक पर दौड़े लाखों एथलीट ट्रैक पर दौड़े और वन माइल का जो रिकॉर्ड था वो था थार मिनट ट्वेल्व मिनट सेकंडीन सेकंड नो बडी इज एबल टू टच देंच मार्क ऑफ वन माइल जर्नी बिफोर फोर लेडीज एंड जेंटमैन इंटरेस्टिंग फैक्ट इन सिक्स रॉजर बेनेस्टर कैम्प टू एक्शन ने कहा कि भाड़ में गया हैरी मैं किसी हैरी एंड्रयूज को नहीं मानता मैं इसको जानता नहीं मैं इससे मानता नहीं मैं इससे बात नहीं करता मैं इसकी सुनता नहीं हूं मैं एक मील की यात्रा को चार मिनट से पहले कंप्लीट करूंगा उसने कहा तू पागल है अगर हैरी एंड्रयूज झूठ बोल रहा होता तो तिरपन साल में कोई ना कोई तो ऐसा किसी ने नहीं किया इसका मतलब ये बात सच है उसने बोला किसी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि किसी ने अटेम्प्ट ही क्योंकि सबको डर था एक फ़ियर था कि ऐसा करने से दिल फट सकता है, जान जा सकती है तो एक मील की यात्रा को तीन मिनट और अंदर सेकंड के अंदर कंप्लीट किया हालांकि एक सेकंड का फर्क था लेकिन वो वन माइल का जो बैरियर था वो उन्नीस के अंदर टूट गया न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क कि सारे के सारे मेन पेजेस के ऊपर रोजर बेनेस्टर का तस्वीर था ये इवेंट आज भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं मोरल ऑफ स्टोरीज लाइन के बाद है जो मैं बोलने वाला हूं आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं अगली लाइन बोलने वाला आफ्टर 1956 टिल टुडे 22000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक मील की यात्रा को चार मिनट से पहले कंप्लीट कर चुके हैं इवन स्कूल गोइंग किड्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू व्हाट चेंज आफ्टर 1956? इज द बिलीव सिस्टम इफ वन कैन डू ऑन, एनीबॉडी कैन डू 1903 से लेकर 1956 तक जो लोग ट्रैक पर दौड़ते थे तो उनके बिलीव में एक चीज थी कि आज तक नहीं हुआ आज भी नहीं होगा छप्पन के बाद जब लोग ट्रैक पे दौड़े तो उनके बिलीव में था कि अगर रॉजर कर सकता है कमान। कोई भी कर सकता बाईस हजार लोग और आज की डेट में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वन माइल वो थ्री मिनट फोर्टी थ्री सेकेंड का है लेडीज एंड जेंटलमैन सत्रह सेकेंड इज अज टाइम स्पैन इन स्पोर्ट्स सत्रह सेकंड बहुत होते हैं मिली सेकंड से लोग फर्स्ट सेकंड आते हैं आर यू विद मी सारा का सारा खेल किस चीज का है कमॉन माइंड सेट का है तो हम जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना हमारा माइंड सेट ही साला ऐसा होता है पांच लोग सीसीटी में बैठ के मिडिल क्लास फैमिली के लोग डिस्कशन क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं आई बिलोंग टू पुअर मिडिल क्लास चिकन तू लाइयो दारू मैलाणी आज हा? कल मैंने पिलाई थी आज अबाउट मेकिंग 100 ओवर टू 200 सीआर अगर गलती से कोई ऐसा ड्रीम बता भी दे पांच लोगों के बीच में कि आई वांट टू बिग कंपनी ऑफ़ 200 करोड़ रुपीस और बाकी चार तू। है तूने। तेरे करी आज तक ऐसा तो वो चड्डी में बम लगाने वाले लोग ज्यादा हैं और रिमोट अपने हाथ में रखते हैं ऐसे कि तू बोल और मैं दबाऊ कहते हैं यू आर दाइव पीपल स्पेंड द मोस्ट टाइम विद लेडीज एंड जेंटलमैन लेटमी रिपीट यू आर दाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद आप पांच लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ जिंदगी बिताते हैं और हम मिडिल क्लास फैमिली लोगों की मुसीबत यह है कि हमारे आजू बाजू में सब इसी तरह के लोग होते हैं हेलो जितनी चादर डायलॉग हमको बचपन से सिखाया गया है मैंने नया नया सेंटर खरीदा उस दौर के अंदर तो मेरे पापा ने बोला गाड़ी लेना आसान है तेल तेरा बाप भरवाएगा गाड़ी तो बहुत आसान है तो एप्रिसिएशन कम होता है और 1956 के बाद करीब करीब बाईस हजार लोग इस एक्टिविटी को कर गए स्कूल जाने वाले बच्चे इसमें शामिल हैं टेंथ क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं क्या 1903 में अगर किसी टेंथ क्लास के बच्चे को बोला जाता वो एक्टिविटी अटेम्प्ट करता तो आंसर है नो कर सकता था तो आंसर है ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि कोई ना कोई रोल मॉडल उनके सामने खड़ा नहीं है उनको बताने के लिए यू कैन आर यू यू विद मी मी लेट गिव सेकंड एग्जांपल हो सकता है सेकंड एग्जांपल आपको कुछ और समझा सके फिफ्थ जनवरी ये पहला ओडीआई क्रिकेट मैच है इससे पहले टेस्ट मैच होता था आपको अच्छा आप में से कितने लोग क्रिकेट देखने खेलने के शौकीन रेज प्लीज हैवरीबडी सब खेलते हैं देखते तो होंगे तो 71 से पहले टेस्ट क्रिकेट खेला जाता था 60 ओवर का मैच होता था वनडे क्रिकेट में जब स्टार्ट हुआ 60 ओवर का मैच था और एवरी स्कोर जो टीम बनाती थी वो 200 होता था आर यू विद मी क्या मैं ठीक कह रहा हूं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग तो 200 रन बनाती थी टीम 60 ओवर के मैच में देखो वही ग्राउंड था वही 22 यार्ड का पिच होता था 9071 सीन चेंज हुआ 250 बनने लग गए 250 चेज होने लग गए सिनेरियो चेंज हुआ 300 बनने लग गए 300 चेज होने लग गए, फिर कहा कि साढ़े तीन सौ साढ़े तीन सौ किसी टीम ने कर दिए तो अब ये टीम जीत गई टेंशन लेने का जरूरत और ऐसा दौर भी आया कि ऑस्ट्रेलिया ने 434 किया साउथ अफ्रीका ने उसको हरा दिया हलो लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1971 से लेकर अगले 39 इयर्स करीब करीब 40 साल एक बिलीव सिस्टम रहा जानते हैं क्या कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली इतना केपेबल नहीं है कि वो ओडीआई में डबल सेंचुरी मार सके हेलो क्यों क्योंकि पूरी टीम मिलाकर ही 200 मार रही है तो एक आदमी कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता और लेडीज एंड जेंटलमैन इस बिलीव को पूरा होने में 39 नाइन लॉन्ग इस लग गए चिन तेंदुलकर इट द फर्स्ट डबल सेंचुरी ऑफ ओडिया क्रिकेट February 2010 against इसको ध्यान से पढ़ते हैं इट टुक थर्टी नाइन इन टू नाइन सिक्स तीन हजार वनडे हो चुके हैं और चालीस साल का गैप है पहले व्यक्ति ने डबल सेंचुरी मारा लेडीज एंड जेंटलमैन उससे पहले किसी ने ही नहीं किया क्योंकि एक बिलीव था कि इंडिविजुअल आदमी ऐसा मजे की बात तो यह है जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी ठोका तो कहते हैं वीरेंद्र सहवाग नॉन स्ट्राइकर पे उसको देख रहा था विद रेड ब्लड आईज इफ यू कैन डू लेडीज एंड जेंटलमैन एक रेफरेंस एक पॉइंट आपकी जिंदगी बदल सकता है आपके आजू बाजू में कितने कामयाब लोग होंगे कमॉन किसी एक रेफरेंस पॉइंट से आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है यार सहवाग ने तेंदुलकर को डबल सेंचुरी मारते हुए देखा सहवाग ने कहा इफ सचिन कैन डू अच्छा साला पहले खोपड़ी में नहीं आया पहले उसकी खोपड़ी में आया सचिन से नहीं लगा तो हमसे कहां लगेगा हेलो सिर्फ 200 वनडे के गैप में सिर्फ 200 वनडे के गैप में वीरेंद्र सहवाग हिट द सेकंड ओडीआई डबल सेंचुरी ऑफ द पहला ओडीआई सेंचुरी लगने में डबल कितना वनडे लगा गाइस और दूसरा डबल सेंचुरी लगने में वो चेंज आफ्टर 2010 आई एम आस्किंग द बिलीव कि वन कैन डू ऑन आपके आसपास कितने रेफरेंस पॉइंट होंगे ऐसे सोचिए और मजे की बात तो यह है जब सहवाग मार रहा था तो रोहित शर्मा बालकनी से उसको देख रहा था रोहित शर्मा ने बोला साला तुम दोनों मार सकते <laughs> Why not me? और रोहित शर्मा ने तीन बार ठोका लेडीज एंड जेंटलमैन आज के डेट में पिछले सिर्फ बारह बरस के अंदर चौदह लोग डबल सेंचुरी मार चुके हैं जिसमें महिला क्रिकेटर भी शामिल है पहले चालीस साल में नॉट इवन वन और इन द लास्ट ट्वेल्व इयर्स फोर्टीन डबल सेंचुरी क्वेश्चन इज अ बिलीफ सारा का सारा खेल किस चीज का है गायर हु इन साउथ अफ्रीका अर्निंग इन फॉरन करेंसी वॉज वेरी हैप्पी सिंपल लॉयर वर्किंग इन साउथ अफ्रीका अर्निंग इन फॉरन करेंसी वॉज वेरी हैप्पी द डे ही बिलीव की छुटमुट करने के लिए नहीं आया अपन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी है और उसने अपना जिंदगी नहीं बदला आजू बाजू में न जाने कितने लोगों का लाइफ ही बिलीव। सिंपल स्कूल टीचर जिसको यह तक नहीं पता था कि मदर टेरेसा का जन्म होता है लेडीज एंड जेंटलमैन उनकी डेथ के आज बहुत सालों के बाद भी चार मिलियन लोग फ्री में खाना खाते हैं जो मिशनरीज बना गई हैं वो

the day you believe देखो मैं बता दूं आपको कि हर आदमी को कुछ बड़ा करने के लिए भेजा गया है छुटमुट करने के लिए दुनिया में आपको और हमको मुझे लगता है कि नहीं भेजा गया है। बस सिर्फ उस रिंगिंग बेल का वेट है कि जिस दिन दिमाग का घंटी बज जाए टिंग टोंग कि मैं ये छोटा-मोटा करने के लिए नहीं आया आपका लाइफ 360 डिग्री पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन जिस दिन आप सोचते हैं बड़ा बनना मुश्किल नहीं है बड़ा सोचना मुश्किल अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी आंख बंद करके ये सोचा है कि मेरे घर के आगे बहुत बढ़िया रेड कलर का रॉयल खड़ा होगा तीन साल के बाद एक दो ये हाथ भी फिफ्टी परसेंट उठा रहे हैं अरे कमान यार पूरा दिखा दे भाई यहां तक जाता है सात आठ लोग मजे की बात तो यह है कि सोचने के पैसे नहीं लगते फिर भी नहीं सोच रहे ऐसा हुआ कि आपने सोचा कि मेरे घर के क्या खड़ी होगी कमान और खट से मैसेज आया वन लाख रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट हाउ डेयर यू थिंक लाइक दिस तेरी हिम्मत कैसे हुई साला सोचने की ऐसा हुआ तुम्हारे साथ पैसा लगता है सोचने का कमान साला फिर भी एटलीस्ट थिंक एटलीस्ट थिंकिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीविंग यूर ड्रीम्स लेडीज एंड जेंटलमैन कैसे और मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग थोड़ा सा यू लैंग्वेज यूज करता हूं एक नंबर का हराम खोर आइटम है ये इतना ही सोचता है इतना ही करता है जितना इसको सोचने और करने के लिए अपन आप इससे पूछिए हाउ कैन आई अर्न फिफ्टी आप इससे पूछिए लाख कैसे कमाऊंगा ये आपको बताएगा आप इससे पूछिए कि हाउ कैन आई अर्न टेन लाख रुपीज अमन रास्ता बताएगा आप चले ना चले अलग बात है आप इससे पूछिए हाउ कैन आई एबल टू अर्न वन करोड़ रुपीज आफ्टर टू ईयर्स ये आपको रास्ता बता देगा आप चले ना चले अलग बात है लेकिन साला बताएगा उतना ही जितना तुम इससे पूछोगे